नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चों ने मेरे साथ पाठ 8 पढ़ा था। हिंदी व्याकरण का पाठ का नाम था लिंग। आज हम इस पाठ की अब एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। पर एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है। जो कार्य आपको अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसको घर में बैठ करके स्वच्छता से पूरा करते रहें। दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फीस रह गई है वे जल्दी से जल्दी विद्यालय में अपने बच्चों की फीस जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पार्ट 8 लिंग इस पार्ट की बुक एक्सरसाइज। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों पर सही का निशान लगाइए। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे इसमें जनवरी, केला, सूर्य और पृथ्वी। तो इसमें पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी को सही का निशान लगाना है और जनवरी भी स्त्रीलिंग है। अगला है आंख, तो ये भी आंख भी स्त्रीलिंग है, इमली स्त्रीलिंग है और अगले में है चंद्र, चंद्र में इसमें चांदी स्त्रीलिंग है। अगला है दूध, खीर, खीर स्त्रीलिंग है और अंतिम है जलेबी और गली, तो जलेबी इसमें स्त्रीलिंग है और गली इसमें स्त्रीलिंग है और नदी भी इसमें स्त्रीलिंग ही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं इनके स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। लोहार का आएगा लोहारिन, अध्यापक का अध्यापिका, नौकर का नौकरानी, वर का वधु, ब्राह्मणी का। अगला है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। अब इन शब्दों के पुल्लिंग लिखने हैं। ब्राह्मणी का ब्राह्मण, तेलिन का तेली, ठाकुराइन का ठाकुर, दिव्या का डिब्बा, इंद्राणी का इंद्र और नाइन का नाई। अब है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों पर लिंग पहचान कर लिखिए। इनमें जो डार्क टू डार्क शब्द दिए गए हैं इनके सामने जो दिए गए उन पर करना है। पहला है इसमें मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, तो प्याला शब्द क्या है इसमें, पुल्लिंग है। राम के गले मिलकर भरत के नयन भीग गए, तो नयन शब्द भी इसमें पुल्लिंग है। अगला है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है, तो यहाँ मंगल शब्द स्त्रीलिंग है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ वाक्यों को दोबारा लिखना है, लिंग बदलना है। इसमें जैसे ग्वाला पुल्लिंग है तो ये वाक्य है ग्वाला दूध में पानी मिलाकर लाया है, तो यहाँ लिखेंगे ग्वालिन दूध में पानी मिलाकर लाई है। अगला है सभी कवियों ने सुंदर कविताएं सुनाई, तो इसका रूप होगा सभी कवियत्रियों ने सुंदर कविताएं सुनाई। गा है लड़की अपनी माता के साथ आई थी, तो इसमें आएगा लड़का अपने पिता के साथ आया था। अब आता है बच्चों प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें लिंग किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अगला है बच्चों
लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर ख का उत्तर, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में लिखेंगे जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, मोर, हाथी, शेर आदि। और अब है स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हथिनी, मोरनी, माता आदि। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी पार्ट आठ की बुक एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तब तक बच्चों अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिन बच्चों की फीस रह गई है अपनी फीस विद्यालय में समय से ही जमा करा दीजिए। धन्यवाद।